हेलो एवरीवन एंड एंड वेलकम वेलकम सो सो दिस लाइव रेकी माइंड पावर वर्कशॉप कैसे हैं आप लोग और आपका ये पर्टिकुलर फाइव डेज कोर्स कैसा चल रहा है और इसमें अगर आप आए हो प्रैक्टिकली कर रहे हो तो आपको क्या कोई फायदा हो रहा है और आपको कौन सी टेक्निक अच्छा लगा और उससे आपको आप, आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जरूर बताइएगा सो uh, so, मैं ये पूछ रहा हूं बिकॉज मैं इमीडिएटली प्रैक्टिकल करवाता हूं राइट right? तो कुछ ना कुछ आपको टाइप करना है और आपको वही बताना है जो एक्चुअली में हुआ है इन लास्ट फोर डेज में जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है जो कुछ भी मैंने आपको प्रैक्टिकली कराया है विच एग्जैक्टली यू नो इंट्रिक यू विच एग्जैक्टली बेनिफिटेड यू कौन सा टेक्निक आपको लगता लग, लगा कि शायद ये बहुत अच्छी चीज है और अमेजिंग लगा विच टेक्निक यू लाइक and which technique actually solved your any problem तो वो कौन सा है जरूर बताइएगा जिससे कि आपको पॉजिटिव होने में आपकी कोई दर्द बीमारी तकलीफ दूर करने में फायदेमंद हुआ था वो बताइएगा गीता ने कहा कि कल वाला मतलब और क्लीनिंग जो पार्ट है जिसमें मंडल की सफाई की है उसमें फायदा हुआ है गीता जी ने बताया कि उनका कुछ नेक में पेन था और वो आ, रिलीफ हुआ था राइट और गीताजी ने ये भी बताया कि उनका फर्स्ट डे का जो एनर्जी हीलिंग टेक्निक था जिसमें थ्री स्टेप मैंने एनर्जी हीलिंग सिखाया था जिसमें मुश्किल से फाइव टू टेन मिनट्स लगता है उसको करके उनके कई दिनों से उनकी आंख फड़क रही थी कुछ साल डेढ़ साल से ऐसा बता रही थी और वो आंख फड़कना उनका ठीक हो गया Congratulations, Gita. Okay. I'm very happy, right? People come to me. Okay. Like a stranger, they start, you know, having faith on me. They trust me. They start practicing whatever I teach them. And when they do it, they are actually getting results. Okay. And now I don't think that you are now a stranger anymore. In fact, I am. स्ट्रेंजर मोर और वट डू यू थिंक क्या आप मुझे जानने लग गए हैं क्या आपको लगता है कि आप कुछ हद तक मुझे समझने लगे हैं जरूर चैट बॉक्स में बताइए पल्लवी ने बताया कि वो डेली कर रहे हैं संगीता ने कहा कि और अ क्लीनिंग वाटर चार्जिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा है ओके और जिंदर ने किया है की अच्छा लग रहा है एकता ने कहा कि वाटर चार्जिंग एनर्जी हीलिंग बहुत अच्छा है uh, नंदादीप ने कहा कि मेरे शोल्डर में पेन था थोड़ा कम हुआ और वेरी गुड तो आप उसको ज्यादा करें राइट right? आप जो शोल्डर है उस पर आप ज्यादा और क्लीनिंग करें और इसको आप डेली करें फिलहाल और पानी चार्ज करके पिए hmm. और आप चाहें तो वो एनर्जी हीलिंग पार्ट भी कर सकते हैं इसमें आपका पूरा का पूरा कंधे का दर्द

कोई भी इसे करता है या आप किसी और को भी सिखा सकते हैं जिससे कि फायदा ही होगा और आपने खुद को करके देखा है तो आप दूसरों को जब बताएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बना रहता है राइट और मुश्ताक ने कहा है मौसम खराब होने की वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं मुश्ताक साहब आप आए हैं वही बड़ी बात है बने रहिएगा जब तक आप मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं बाद में आप रिप्ले देख लेना रिकॉर्डिंग देख लेना अपने टाइम पे जब नेटवर्क अच्छा हो तो चिंता मत कीजिएगा ओके okay? मेरा सिस्टम एकदम फ्लेक्सिबल है इसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए आपको टेंशन नहीं लेना है यहां आए हैं तो टेंशन सब खत्म हो जाना चाहिए लास्ट नाइट मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही हो रही थी अनुष्का बोल रही है कि मुझे वॉमिटिंग हो रही थी मैंने पानी चार्ज किया पिया और उसके बाद आ, से बिच से मेरी वोमिटिंग रुक गई और मोस्टली मुझे बिना मेडिसिन की ही बिल्कुल आराम नहीं मिलता लेकिन इस आ, मैजिकल रेमिडीज से बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है और इससे उन्होंने थैंक यू बोला है ये मैजिकल आ, सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए थैंक यू अनुष्का आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लिखा है इतना बहुत कुछ आ, जो कई बार मुश्किल होता है लिखना और आपने लिखा है सो आई रियली थैंक यू ओके कि एटलीस्ट आप आए आपने समझा और इस चीज को इंप्लीमेंट किया और जब भी आपकी जरूरत हो प्लीज इंप्लीमेंट करो कोई दिमाग ना लगाओ तो ये काम करता है ओके okay? दीक्षा आई हुई है गुड इवनिंग दीक्षा कैसी हो आप नो प्रॉब्लम दीक्षा यू आर ऑन टाइम ये तो मैं जस्ट अभी इंटरक्ट ही कर रहा हूं अभी तक मैंने शुरू नहीं किया दीक्षा आप भी बताइए कि पिछले चार दिनों में जो कुछ भी आपने सीखा कौन सी वाली टेक्निक कौन सा वाला क्लास आपको अच्छा लगा और उससे आपका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ दीक्षा मैं आपसे पूछ रहा हूं ठीक है रूसी ने कहा कि सर क्या चार्ज वाटर से कोल्ड ठीक हो सकता है हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या करके देख लीजिए ना हो जाएगा राइट आ, मैं आपको बताऊं कि यहां पे जो भी टेक्निक में अभी से लेकर आगे जो थर्टी डेज आरएमपी और बियॉन्ड में सिखाऊंगा इससे सर दर्द से लेकर कैंसर तक नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक ठीक हो सकता है प्लस इससे आपकी रिलेशनशिप बेटर हो सकती है इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सकता है जो मैंने चार पहिए बताए थे ना जिंदगी के ऋषि हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस, ये चारों पहिए बैलेंस किया जा सकता है अभी मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं एक फाउंडेशन बना रहा हूँ और इसको थोड़ा सा यूज करके देख लो और कल से तो अगर आप चाहो तो रेकी एंड माइंड पावर जैसे बहुत ही यूजर फ्रेंडली इजी टेक्निक बताऊंगा जो आप चलते फिरते उठते बैठते काम करते घर के बाहर के आप यूज कर सकते हो और वो बड़ा मैजिकल होता है उससे आप बहुत सारी यू नो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम और बीमारियां दूर कर सकते हो तो पानी से भी होता है लेकिन इसके लिए एक लंबे समय की जरूरत पड़ेगी राइट सर्दी तो कोई बात नहीं तीन चार दिन पांच दिन में तो वैसे ही ठीक हो जाता है राइट इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा दो दिन में ठीक हो जाएगा क्या पता एक दिन में ठीक हो जाए ओके तो इसको आप इस तरीके से ले कि जो नॉर्मल बीमारी है जो डॉक्टर की दवाई से भी ठीक हो जाता है तो उसमें ज्यादा क्यों दिमाग लगाना वो तो ऑलरेडी आप दवाई खाई रहे थे ठीक हो ही जाना तो दो चार दिन पांच दिन में लेकिन ऐसी प्रॉब्लम जो बिजली डेढ़ साल से दो साल से पांच साल से आपको परेशान कर रही है और वो ठीक नहीं हो रहा है

यू you नो know, एक ही हफ्ते में ठीक हो जाता है दवाई ना खाओ तो सात दिन लगते हैं ऐसा एक कहावत है ओके okay? मतलब दवाई खाओ खाओ सर्दी तो वैसे ही ठीक हो जाती है ये तो एक ऐसा सिस्टम है आपके बॉडी का कि आपके बॉडी में कुछ ऐसी चीजें आई हुई है जो अलग हलचल हुई है अलग एक कोई फॉरेन पार्टिकल है उसको बाहर निकालने के लिए ये अंदर बलगम बनता है यू नो एक अलग टाइप की एनर्जी बनती है और वो चीज आपको बाहर निकालने की मदद करता है तो वो तो एक नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है तो उसको होने दीजिए उससे कोई दिक्कत थोड़ी है हाँ पानी बहुत सारी चीजों में काम आ सकता है उसको यूज करके देखे तो आपको आराम मिलेगा ठीक है और कल आज शाम को तो मैं आज, 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 आज आपको तो वैसे ही मैं रेकी एंड माइंड पावर बता ही रहा हूं और कल से तो आप अलग सिस्टम पे काम करेंगे जो बहुत ही अलग है बहुत ही इजी है बहुत ही पावरफुल है ठीक है दीक्षा ने कहा है सर अभी तो प्रॉब्लम है सर बट हमें विशेष विश्वास है कि हमारी प्रॉब्लम दूर होगी 100 परसेंट आपको विश्वास बना के रखना है मैं कह रहा हूं कि ये एक दो दिन में नहीं होता इसीलिए मैं ये कोर्स एक दो दिन का नहीं करा रहा हूं फाइव डेज तो सिर्फ फाउंडेशन बनाने में इंट्रोडक्शन में लगा रहा हूं उसके बाद जो रेकी एंड माइंड पावर है वो एक महीने का कोर्स है उसको भी मैं कहता हूं कि थर्टी डेज लगाईगा पूरा जब आप पूरा थर्टी डेज पूरा का प्रैक्टिस करेंगे अपने ऊपर अपने लोगों के ऊपर अपने आसपास में तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ दो ही चीजों में आती है एक होता है नॉलेज दूसरा एक्सपीरियंस और ये दोनों चीजें मैं आपको दे रहा हूं राइट और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप एक हेलिंग मैग्नेट है फिर आपको लगेगा कि अरे मैं तो लव मैग्नेट बन गया हूं क्योंकि सब लोग मुझे पसंद करते हैं मेरी रिलेशनशिप बेटर होती जा रही है फिर आपको लगेगा अरे अचानक ही आउट ऑफ द ब्लू मैं मनी मैग्नेट बन गया प्रोस्पेरिटी आ रही है यू you नो know? मनी प्रॉब्लम ठीक हो रहा है नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और आउट ऑफ ब्लू कहीं न कहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं पैसे कमाने का मौका मिल रहा है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट रियल सेंस लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा इसीलिए मैंने थ्री मंथ्स की बात की है ओके okay? सो so धीरे धीरे होगा एंड थैंक यू सो मच अनिता जी आप भी आए हैं और आभार ओके okay. गीता जी भी बैठी हुई हैं आई होप कि आज के क्लास में भी आपको मजा आएगा तो अनिता जी आप भी बताएं कि पिछले चार दिनों में कौन सी टेक्निक आपको बेनिफिशियल लगी यूजफुल लगी आपके किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं सभी लोगों से सलाह ले रहा हूं यहाँ पे ओके okay? क्योंकि जब भी मैं शाम को यहाँ आ रहा हूं मैं डेली बेसिस पर यहाँ आप लोगों के लिए बैठ रहा हूँ मंडे टू सैटरडे में कंटिन्यूसली शाम तक मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूं डेढ़ घंटे रोज बैठता हूँ और सुबह से ही एंगेजमेंट होती है क्योंकि सिर्फ शाम को बैठने के लिए ही आ, मैं डायरेक्टली आके नहीं बैठ जाता एंगेजमेंट सुबह से होती है आप देख रहे हो नौ बजे से मैसेज दे रहा हूँ दोपहर को फिर दे रहा हूँ शाम को फिर दे रहा हूँ और भी कई सारी चीजें होती है और तब जाके आप लोग यहाँ आ पाते हो और तब जाके मैं आपको कुछ सिखा पाता हूँ इससे आपको फायदा होता है सिर्फ संडे को एक दिन मैं छुट्टी लेता हूं लेकिन वो भी सिर्फ इस बात की छुट्टी कि मैं लाइव नहीं आ रहा हूं अदरवाइज बैकएंड में फिर भी काम कर रहा हूं आपके फोन कॉल्स लेता हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जवाब देता हूं और आपको कंटिन्यू सपोर्ट देता हूं तो मतलब सातों दिन मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना आपको किसी डॉक्टर के ऊपर ना किसी तंत्र के ऊपर ना किसी पंडितों के ऊपर ना किसी यू नो अलग से यू यू नो विधता के उपर, नो भाग्य के ऊपर बोलते कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके साथ आपको डिपेंड होना पड़ेगा नहीं वो है उन्होंने आपको सब कुछ दिया हुआ है लेकिन आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ थैंक यू बोलने की जरूरत है और सब कुछ आपको मिलेगा जैसे कि मैंने बताया था आपकी टिकट कटी हुई है और उस टिकट के पीछे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या इस जीवन में मिलना चाहिए लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा यू हैव टू बिकम डिजर्विंग फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर डिजर्विंग के लिए कैसे करना पड़ेगा यू हैव टू क्रिएट दैट इक्वलेंट वाइब्रेशन और तब आपको वो चीज यूनिवर्स से डिलीवर होगा